क्या कर रखा है? देखो तो शादी भी हो गई है, वही तो कह रहे हमको कमरा देखो कितना गंदा कर रखा है। बोलो मैं बोलो, साड़ी पहनी कि नहीं? नहीं थी। सूट पहन रखा है बताओ यार। माई आप तो कहा करो, आपने भी नहीं पूछा है। वो जॉब करती है ना? मैं भी करती थी जॉब, क्या कुमकुम नहीं करती? सब करते हैं। काय डर लग रहा हो पापा जी से? हैं? उसे नहीं लगता किसी से, उसे सिर्फ बाप से लगता है। बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। मैं हूँ तेरा बाप। फाइनली प्रियंका दीदी भी आ चुकी है देखने के लिए। तो गाइज आज प्रियंका जी को हमने थोड़ा सा प्रैंक दिया है कि अच्छे से एक्टिंग करनी है, और आज हम लोग नई बहू के साथ प्रैंक करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा। हमने प्रियंका दीदी को बनाया है खूंखार दीदी, बड़ी दीदी, और वो जाके अब घर में चिल्लाएगी देखो क्या कहती है कि सूट पहना रखा है और ये गंदगी फैला रखी है। अब ये देखिए नई बहू के क्या रिएक्शन रहते हैं, आइए करते हैं प्रैंक। तो दीदी क्या लगा क्या रखा है यहाँ पे? अरे हाँ वो कल वो था ना, कल काम ही नहीं मिला। ठीक है देखने भाव आ जाओ। मैं ये क्या कर रखा है? देखो तो शादी भी हो गई है, देखो ये सब ढोला बोला भिजवाई थी सब, देखो पूरा गंदा लग रहा है। नहीं बहू आई है बताओ, हैं क्या बताओ भैया, शादी का घर है। कल दिया तो ये खुल गया, कल दिया तो ये वो तो कह रहा हमको कमरा देखो कितना गंदा कर रखा है, जो था वो हो गया सारा। जरूरी है कि सजमोटी करके रखना उसकी। बोलू साड़ी पहनी कि नहीं? नहीं थी। सूट पहन रखा है बताओ यार। बोलू माई आप तो कहा करो, आपने भी नहीं पूछा है। एक दो दिन हुए हैं। अरे तो ऐसे कैसे? वो जॉब करती है ना? जॉब करती है अच्छी बात है, मैं भी करती थी जॉब, क्या कुमकुम नहीं करती? सब करते हैं, ये की बात होती है। गोलू को गोलू बुला रहा कुमकुम, मामा बुला। गोलू भाई ऐसे मत बोलो, वो नहीं आएंगे, पता है वो नहीं आएंगे। गोलू भाई बता दिया माय बुलाओ मुझे बता रहे हैं। आपको पता कम करवाएंगे अब आपके। अच्छा आपको पता क्या चला? ये माय ने बताया, दीदी ने अच्छी एक्टिंग ही नहीं की। वहां से दीदी बार 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 हंस रही थी, उसको मेरे को बताना पड़ रहा था। अब ये बोल दीदी आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की, मुझे मेरे को बताना पड़ रहा था बार बार। ये तुम्हारे लिए ऐसे नहीं देख रही है, किसको पता नहीं किसको बोल रही है। मैंने बोला वो तो बोला नहीं, मैंने कहा ये बोल जाके सीधा बोल, फूल लगे हुए स्वागत कल थी आज तो साफ करो। कितना सिखाया था यार, बताओ नहीं बंद हो जाए। बताओ आपको एक ही मैंने पकड़ लिया है, बताओ होनी चाहिए। भैया ने क्या बोला था आपको आगे? भैया ने क्या बोला था? वो भी पार्ट थे एक्टिंग का, कहते बड़ी खतरनाक दीदी आ रही है जल्दी ऊपर जाओ। अरे दीदी आप बोलती जब आपको पता लगा मैं नहीं पहनूंगी जाओ।
शांत। अरे ये दीदी को पता नहीं होता। हो कौन तुम, हो कौन तुम, यहाँ क्या करने आई हो? मम्मी जी अब बता रहे थे ना इनको, इनको बुलाया किसने? ये तो होने वाला था मेरे साथ। तो ये देखो प्रियंका जी जी एक्ट में फेल हो गई और बहू समझ गई थी, समझदार हो गया। ओ ये खुंखार नंद इतना असर होती है, वो असर ही देखो इतना कौन रोता है भाई। इस प्रैंक फेल हो गया, जी जी एक्टिंग नहीं कर पाई यार, जैसे अपने चैनल पे करती है वैसे किया करना। हाँ स्वाति के लिए तो बहुत सारी बात निकलती है। तो गाइज प्रियंका दीदी इसलिए रो रही है क्योंकि प्रियंका दीदी आज से 10 साल पहले यहाँ पे रही थी, जब कुमकुम दीदी की शादी हुई थी तो एक महीने के लिए यहाँ पे रुकी थी, यहीं पे खाना वगैरह बनाया था, खाना वगैरह खाया था, साथ में सोती थी। अब सीधा 10 साल के बाद आई है तो एकदम से उन बातों को सोच कर दीदी को रोना आ गया, यादें ताजा हो गई। किचन देख के कौन रोता, संडास संडास जी जी पीछे संडास जाकर रो। अब इसलिए रोई, खुशी के आंसू है कि अब मेरे को नहीं बनाना पड़ेगा। ये बेड भी जो वैसे ही लगा था ना तो हम दोनों इसी पे लेटते थे। अब फिर रोएगी क्या हालत हो गया है भाई अभी तो शादी में 2 ही दिन हुए हैं, अभी कपड़े उतर गए तुम्हारे। बहू बहू आपको खाना बनाना आता है? प्रियंका दीदी से ट्यूशन लोगी? प्रियंका दीदी का खाना कोई खाता ही नहीं। कल आपकी ये बच्चे ऐसी बड़े हो गए। कल आपकी पहली रसोई है ना, तो क्या बनाओगी कल आप? मीठा ऑल टाइम सदाबहार खीर। खीर मेरे को बुखार है, मेरा चटपटा खाने का मन है, मैगी की तरह। सबकी अलग अलग फरमाइश होनी चाहिए है। अच्छा ये सीधे नहीं है, ये देखने में सीधे हैं। ये देखो संस्कार, सब ऊपर बैठे हैं लेकिन बहू रानी नीचे बैठे। संस्कार 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 हो तो ऐसे आगे से संस्कार ऐसे होंगे, आप नीचे बैठे होंगे बहू ऊपर बैठी होगी। ये तो होता है मामा जी, ये होता है। तो गाइज ये देखिए मैं प्रियंका दीदी को ट्रेन में छोड़ने आया हूँ, अब जी जी जा रही है सीधा यहाँ से उन्नाव। और ये देखिए ये ट्रेन जल गई थी हमारे यहाँ जसवंत नगर के पास में, आग लगी थी और ये तीनों डब्बे झुलस गए थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखिए इसका तो पूरा रंग ही उतर गया इस डब्बे का, और ये देखिए कैसे आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था इस वजह से आग लगी थी।